अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी मरियम रशीद। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर वेकेशंस। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू प्रोवाइड गाइडलाइन अबाउट द समर पैक ऑफ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हेयर इज एक्टिविटी नंबर वन। इट डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। फर्स्ट पिक्चर डिस्क्राइब अबाउट एनिमल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड पिक्चर डिस्क्राइब्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लार्ज वेक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ओके, व्हाट वुड हैपन टू सेल इफ वी रिमूव्ड इट्स न्यूक्लियस? व्हाट मेक्स अ प्लांट सेल ग्रीन? विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामाइन सेल्स? यू हैव टू फिल दिस क्वेश्चंस। ओके है बच्चे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर टू। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई इट्स नेम, आल्सो राइट डाउन इट्स फंक्शन। आपको पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नेम मेंशन कीजिएगा एंड उनके फंक्शंस के बारे में आपने लाजमी ब्रीफ करना है। इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पिक्चर जो है वो आपकी रेड ब्लड सेल की है। नेक्स्ट मोटर नर्व सेल, रूट हेयर सेल एंड फ्लोएम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये आपके नेम मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आपने उनका फंक्शन भी लिखना है और आपने बहुत ज़्यादा नीटनेस एंड क्लीनलीनेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इट इज़ अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द वर्ड बैंक। आपको वर्ड बैंक दिए गए हैं, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जस्ट फिल करना है। बहुत ज़्यादा क्लीनली आपने उसको फिल करना है, इस तरह से जिस तरह सीक्वेंस दी गई है आपने बिल्कुल वैसे फिल नहीं करना। क्लीनली पहले उसको ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको लेबल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर गिवन, डिफाइन रेस्पिरेशन। इसको आप दो तरह से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, इट मे बी रेस्पिरेशन एंड इट मे बी रेस्पिरेशन। सो इट इज़ जस्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रोनंसिएशन, सो इट्स नॉट अवर टॉपिक। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस सब आ जाते हैं, बट आप ये नहीं देखेंगे कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ह्यूमन की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सहेल CO2 एंड इनहेल ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना एंड ऑक्सीजन को इनहेल करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट यू हैव टू गिव आंसर अबाउट द व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जरी ऑफ रिप्लेसिंग डैमेज ऑर्गन विद हेल्दी वन। डैमेज ऑर्गन को हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। राइट एटलीस्ट वन इफेक्ट ऑन समवंस बॉडी इफ देयर लंग्स मेल फंक्शन, उसका आपने एक इफेक्ट बता देने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, इट इज़ एक्चुअली एक्टिविटी, जिसको हम सही मानों में एक्टिविटी कहते हैं, ये वही एक्चुअली है। मॉडल ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको जो अपरेटिस की ज़रूरत पड़ेगी यू विल नीड, दिस इज़ गिवन बिलो। अ क्लीन क्लियर प्लास्टिक बॉटल, सीजर्स, नैरो बेंडी प्लास्टिक ड्रिंक स्ट्रॉस एंड वाइड प्लास्टिक ड्रिंक स्ट्रॉस, स्टिकी पाइप, स्टिकी टेप, स्मॉल बैलून्स, लार्ज बैलून एंड मॉडलिंग क्ले। आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मॉडल बनाते हुए, और ये मॉडल आप अपने साथ लेकर आएंगे, अटैच करेंगे अपने समर पैक के साथ। ओके, आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, अपने एल्डर्स से, अपने ट्यूटर्स से हेल्प आउट लेनी है। मैं भी आपको बता सकती हूँ कि इसमें क्या किया गया है, इन सारी वो सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी उनको आपने इस्तेमाल में लेकर आना है, ठीक है, और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर फाइव, इट्स अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपको
एलिमेंट्स के नेम बताए गए हैं, आपने उनके सैम्बल्स बताने हैं कि वो उनका सैम्बल क्या है, ऑक्सीजन को कौन से सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को कौन से सैम्बल से करते हैं, और एंडिंग नेम ऑफ कंपाउंड्स। एंडिंग नेम ऑफ कंपाउंड्स मीन ऑक्सीजन जो है वो कौन सा कंपाउंड बनाती है, आपने वो कंपाउंड मेंशन करना है। ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन से कौन सा बनता है, क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, सल्फर सल्फाइड एंड सल्फेट, नाइट्रोजन नाइट्राइड एंड नाइट्रेट एंड एक्सेट्रा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तफरीक बतानी है उनमें क्या फ़र्क है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एंड नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं, आयरन कॉपर ये सारे मेटल्स होते हैं, एंड नॉन मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, आपने उसके इम्पोर्टेंस मीन्स कि उसका यूज़ बताना है कि वो कहाँ पर यूज़ होते हैं और उसकी क्या अहमियत है। कैल्शियम किस लिए यूज़ होता है, कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स, कैल्शियम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ मेंटेनेंस। नेक्स्ट आयरन, आयरन इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन, आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग थायराइड ग्लैंड, पोटाशियम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर मसल्स, एंड मैग्नीशियम प्रोवाइड्स एनर्जी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस गिवन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटांसिस इन टू द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, आपको कुछ सब्सटांसिस दिए गए हैं, आपने उसमें डिस्टिंग्विश करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंड कंपाउंड कौन कौन से हैं। सो आपकी फर्स्ट लाइन, फॉर्चुनेटली एक मज़े की बात है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, एंड नेक्स्ट लाइन आपकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एक महज इतफाक है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट भी आपका कभी भी कोई इस तरह से अगर फिल इन द ब्लैंक आ जाए तो वो इस तरह से हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपने यही करना है अगर आप बल्कि आप ऐसा क्यों करेंगे, ये क्यों देखेंगे कि फ़र्स्ट लाइन ऐसे है, ये तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ। फर्स्ट लाइन आपके एलिमेंट्स की है, बट उसमें भी आपने अच्छे से उसको क्लीनली देखना है कि वो वाकई एलिमेंट्स हैं, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, सो आप ये क्लीनली देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7, और लास्ट एक्टिविटी, पोस्टर मेकिंग। प्रिपेयर अ मिनी पोस्टर ऑन इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग ऑन हेल्थ, एक पोस्टर बनाना है जो किस बात को रिप्रेजेंट करता हो, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो कि स्मोकिंग के हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। गुड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं होते, बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं ना, सो आपने उसी को मेंशन करना है। ब्रिंग योर पोस्टर अलॉन्ग विद यू एंड प्रेजेंट इट टू योर टीचर आफ्टर समर वेकेशंस, आपने समर वेकेशंस के बाद अपने पोस्टर को साथ लेकर आना है और अपने टीचर्स को सबमिट कराना है। सो दिस वॉज आवर एक्टिविटीज़ ऑफ साइंस समर पैक। आई थिंक आई एम डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।